हेलो, लास्ट क्लास में आप लोगों को सेमीकंडक्टर्स की रिवीजन स्लाइड पब्लिश की थी, वो कंप्लीट कर ली थी आप लोगों ने? अंकित, मैं पूछ रहा हूँ बेटा आपसे, सेमीकंडक्टर की रिवीजन स्लाइड पब्लिश कर ली आप लोगों ने? आवाज नहीं जा रही। हेलो, मनीषा, आवाज आ रही बेटा? यस सर। हाँ, सेमीकंडक्टर की जो रिवीजन स्लाइड पब्लिश की थी वो कंप्लीट कर ली? मैं पूछ रहा हूँ, यस सर। किसने किसने कर ली? हाथ रेज करिए एक बार। ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा था वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है बताइए एनीवन? वेव फ्रंट अगर मान लो, सपोज करो कोई भी पॉइंट सोर्स है, उसके कारण डिस्टरबेंस ट्रेवल हो रही है, तो चारों डायरेक्शंस में थ्री डायमेंशनली डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही है, तो एक गिवन टाइम के बाद जो लोकस है पॉइंट्स का, सेम फेस वाले पॉइंट्स का, मतलब अगर पॉइंट्स आपका ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, जहाँ ओरिजिन हम इस पॉइंट को मान रहे हैं जहाँ पे सोर्स है, तो आपकी डिस्टरबेंस चारों तरफ ट्रेवल कर रही है, तो एक गिवन टाइम के बाद पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, इनका लोकस, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जैसे पॉइंट सोर्स के लिए थ्री डायमेंशनली देखें, वेव फ्रंट कैसा आता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना? थोड़े और टाइम के बाद देखेंगे तो एक और स्फेयर, कंसेंट्रिक स्फेयर्स, कम टाइम पे देखेंगे तो पहले आ जाएगा स्फेयर। तो दीज आर वेव फ्रंट्स। तो फॉर ए पॉइंट सोर्स आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट आता है। अगर हम लाइन सोर्स की बात करते हैं, कैसा सोर्स? लाइन सोर्स, तो वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। और अगर हम प्लेन सोर्स की बात करेंगे तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन होगा। पॉइंट सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और प्लेन सोर्स के लिए प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, यहां पर जो वेव की डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के। तो वेव का जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में मूव करती है, वेव प्रोपोगेशन और वेव फ्रंट, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स लें तो उनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन सेम वेव फ्रंट या ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट, दो वेव फ्रंट है उनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा 0 डिग्री होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी वेव, प्लेन वेव फ्रंट है, मान लीजिए वेव फ्रंट है प्लेन, इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, अगर ये एक प्रिज्म के थ्रू पास होता है तो आउटपुट वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा बताइए एनीवन?
बेटा अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर मैं आपको कैसे समझाऊंगा? प्लेन वेव फ्रंट है, आउटपुट वेव फ्रंट कैसा होगा? एनीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड नहीं बोल सकते बेटा, प्रॉपर आंसर बताइए। जो आपके पास ये फेस है इंसिडेंट फेस, इसके पैरेलल होगा तो टिल्टेड होगा, और टिल्टेड पैरेलल टू द इंसिडेंट फेस, तो प्रॉपर नाम बोलिए। इट इज टिल्टेड या इंक्लाइंड, जो भी बोलना है आपको, एंड पैरेलल टू इंसिडेंट फेस। इसी तरह अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कैसा होगा आउटपुट? इंसिडेंट प्लेन ही है तो कॉन्वेक्स लेंस में कैसा होगा? आपको पता है दिस विल बी कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, तो प्रॉपर क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट इज कन्वर्जिंग एंड वेव्स फाइनली कन्वर्ज टू ए पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो वेव फ्रंट इज कन्वर्जिंग एंड वेव्स फाइनली कन्वर्ज टू ए पॉइंट कॉल्ड फोकस। तीसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कॉनकेव लेंस है, इसके थ्रू पास करते हैं तो क्या होगा? तो क्या लिखेंगे आप? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट को, प्लेन वेव फ्रंट जो है इसके ऊपर इंसिडेंट है, इसके थ्रू पास हो रहा है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? कैसा वेव फ्रंट होगा? एनीवन लिखिए फटाफट, बोली या तो आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर बोलने में दिक्कत होती है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में डालिए। डाइवर्जिंग, इसमें लिखेंगे नो वेव फ्रंट, नो वेव फ्रंट, ध्यान देना, ये लैंग्वेज ही समझनी आप, नो वेव फ्रंट, बिकॉज वेव्स फाइनली डाइवर्ज आउट, डाइवर्ज कर जाती हैं वेव्स, तो वेव फ्रंट मिलता ही नहीं है, डाइवर्ज आउट, ठीक है, कोई वेव फ्रंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसके बाद आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ किया है वेव थ्योरी से, उसको आप रिवाइज करेंगे एक बार कॉपी से। अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने प्रूफ किया था कि एंगल आई और एंगल आर बराबर है, और रिफ्रैक्शन में प्रूफ किया था कि किसी भी एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो साइन आई और साइन आर की रेशियो म्यू होती है, जहां म्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। साइन आई और साइन आर की रेशियो कितनी होती है? म्यू, और म्यू क्या है? सी बाई वी, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और v is velocity of light in medium, इसको आपको ध्यान रखना है। ये दोनों रूल्स, इनके प्रूफ एक बार पढ़ लेने अपने कॉपी में से वेव ऑप्टिक्स के अंदर। इसके बाद आपको पता है इस चैप्टर के अंदर तीन पार्ट्स हैं। ये तो पहला पार्ट आपने देखा भी क्या है, वेव फ्रंट वाला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इसके बाद तीन पार्ट्स होते हैं, एक इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन, जिसमें से पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये इस बार सिलेबस से रिमूव कर दिया है। आपको दो ही चीजें पढ़नी है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको भी रिवाइज करते हैं और इनके कुछ क्वेश्चंस हम कैरी आउट करते हैं। अगर हम आपस में बात करें कि इंटरफेरेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही रीजन में सुपर इम्पोज करती हैं, तो क्या होता है? उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये जो फिनोमिनन है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो अगर मैं वन लाइन में इंटरफेरेंस को डिफाइन करना चाहूं, तो दिस इज द फिनोमिनन
ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। द फिनोमिनन ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू और मोर सोर्सेस इल्यूमिनेट, ये सुपर इम्पोज बोल दो, सुपर इम्पोज इन ए गिवन रीजन। तो कुल मिलाकर के एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कब, जब दो या दो से ज्यादा सोर्सेस एक ही रीजन में सुपर इम्पोज करते हैं, एंड वी कॉल इट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, अब अगर कोई बोले सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस आपका होता रहे, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या है? फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस? एनीवन बोलिए, क्या जरूरी कंडीशंस है? लवीना बोलो बेटा, क्या जरूरी कंडीशंस है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए? What are the necessary conditions for sustained interference? क्या लिखेंगे आंसर अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में? तो सर लाइट के सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। वेरी गुड अंकित, पहला रीजन यही है कि द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। दूसरा पॉइंट, प्रकृति क्या रीजन होना चाहिए बताइए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए? सोर्सेस कोहेरेंट होनी चाहिए, जो वेव्स हैं मस्ट हैव सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज दे मस्ट बी, क्या बोलते हैं इनको, मोनोक्रोमेटिक। तीसरा, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है देन इंटरफेरेंस रिजल्ट इज गुड। अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो इंटरफेरेंस का रिजल्ट बढ़िया होता है, बाकी बराबर ना हो तो भी इंटरफेरेंस होगा। फर्क क्या होगा, अगर A1 इक्वल नहीं हुआ A2 के तो इंटरफेरेंस होगा क्या? इंटरफेरेंस होगा, लेकिन बट कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट इन रिजल्ट या आउटपुट इज नॉट गुड। जो मैक्सिमा और मिनिमा है उसके बीच में प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट अगर चाहिए, प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए। रिजल्ट इज गुड मीन्स कॉन्ट्रास्ट विल बी बेटर। क्लियर? इसके अलावा फेज डिफरेंस जो है दैट शुड बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो दो वेव्स इंटरफेरेंस कर रही हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, चाहे वो जीरो हो चाहे वो 180 हो। अगर ये जीरो डिग्री है तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर 180 डिग्री है तो कैसा होगा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जीरो डिग्री पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और 180 डिग्री पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाता है, यहां तक देखिए, यहां तक कितनों को क्लियर है, रेज योर हैंड्स, जिसको डाउट है वो बात करते जाइए। दोज़ हू गॉट इट रेज योर हैंड्स, जिसको डाउट है वो बात कर सकता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं,
सबसे पहले, ये आपके पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक लाइट यहां से आ रही है, बीम ऑफ लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3×10^14 हर्ट्ज। ए बीम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी 3×10^14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर, एंड देन रिफ्लेक्टेड बैक, एंड सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू इट आर टू। तो क्वेश्चन इज फाइंड लैम्डा वन एंड एफ वन फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट एंड फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट। हो सकता है सिर्फ रिफ्लेक्शन ही हो रहा हो सकता है सिर्फ रिफ्रैक्शन ही हो रहा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितनी है, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितनी है, दोनों पार्ट्स में आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स फास्ट, यू गॉट 1 मिनट टाइम। जल्दी करिए, सॉल्व करिए। फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। Write your answers in the comment box fast everyone। हो रहा है सॉल्व, नहीं हो रहा तो बता देना, ये भी बता दो, ये नहीं कि बैठे हुए नहीं हो रहा तो tell me, I will get it solved। सॉल्व हो रहा है बेटा, श्रीबास पॉल मनीषा, हो रहा है बेटा, किसने डाला, अंकित, नहीं अंकित, देखो रिफ्लेक्शन के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते, पढ़ा हुआ है, तो लैम्डा वन फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, एफ वन इज इक्वल टू एफ, ये एफ थी आपकी मान लेते हैं, तो लैम्डा यहाँ पे क्या आएगी, लैम्डा आएगी सी बाई एफ, यही है ना, सी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10^8 अपौन में 3×10^14, चेक करिए तो ये आ गया 10^-6 मीटर, है ना, एक तो यूनिट आपने अलग अलग रखी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है आर वन पे, कितनी 3×10^14 हर्ट्ज, आपने मीटर लिखा हुआ, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ,
और वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा वन इज लैम्डा सेम, देर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, सेम आंसर आएगा। जबकि जब आप रिफ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, एफ टू विल बी इक्वल टू एफ, ध्यान देना, नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी, दैट इज सेम 3×10^14 Hz, बट वेवलेंथ विल चेंज, लैम्डा टू विल बी लैम्डा वन बाई म्यू। अब इसने मीडियम का म्यू नहीं दिया हुआ आपको, तो आपको याद रखना है 10^-6, अच्छा आपने यू लिखा हुआ है वहां पे, और वो यूनिट आप गलत डाल रहे हो एक्चुअल में, नहीं हर्ट्ज़ में, यूनिट आगे पीछे होगी। हाँ वही कह रहा हूँ, यूनिट आगे पीछे कर रखी, और लैम्डा में म्यू डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा 10^-6 वाले में, है ना, आपने उल्टा डिवाइड कर रखा है, तो ये आपका आंसर है। अब अगर मान लो रिफ्रैक्टेड मीडियम जो है आपका रिफ्रैक्शन का, अगर मान लो म्यू क्वेश्चन में दिया होता मान लो 1.5, तो ऐसी कंडीशन में इट वुड हैव 1.5 यानी 2/3/2, तो ऊपर 2/3 बन जाता है, यानी 2/3 यानी 6.67×10^-7 मीटर, दिस वुड हैव बीन द वेवलेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट अगर म्यू की वैल्यू 1.5 होती। बाकी अभी नहीं दिया तो आपको म्यू के टर्म्स में आंसर को छोड़ देना है, एक बार देख लीजिए, सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, कोई डाउट है तो मुझसे बात करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स, क्वेश्चन लिखिए, लैंग्वेज डिक्टेट कर रहा हूं मैं, टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स प्रोपोगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन have amplitudes A and 2A, and differing in the phase by π/3, and phase difference of π/3. Superimpose. Calculate the amplitude of the resultant wave. Nikaliye. Calculate the amplitude of resultant wave. Jo resultant wave hai, uska amplitude nikaliye. Calculate kariye aur apna answer daliye comment box mein. जल्दी कैलकुलेट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। डालो बेटा आंसर, डालिए कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी, बाकी लोग भी सॉल्व करिए। श्रीवास पॉल क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आंसर बता रहे, सिर्फ एक ही बच्चा आंसर बता रहा है। अंकित राइट है बेटा, आपका आंसर सही है अंकित, वेरी गुड बेटा,
बाकी लोग भी सॉल्व करिए। प्रकृति क्या आंसर है जल्दी फास्ट? राइट योर आंसर फटाफट फास्ट। एक एम्पलीट्यूड ए है, एक टू ए है, फेज डिफरेंस पाई बाई थ्री है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है आपसे, है ना? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला ऑब्वियस होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉज ऑफ फेस एंगल बिटवीन देम इस पूरे का रूट। ध्यान है, पढ़ा है फॉर्मूला कहीं पर? अब आप देखिए ए वन कितना है यहाँ पर, ए वन की जगह ए है, ए टू की जगह टू ए है, तो टू ए का स्क्वायर करेंगे फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू टू ए, और कॉज ऑफ पाई बाई थ्री, फेज एंगल कितना है पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री इज व्हाट 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2, ये आपके पास आ गया। तो कितना आ गया एम्पलीट्यूड, फाइव ए स्क्वायर प्लस ये टू और टू कट गया, देखिए टू ए स्क्वायर दैट इज सेवन ए स्क्वायर का रूट, तो ए रूट सेवन, दिस शुड बी योर आंसर। क्या दिक्कत है इसमें? फटाफट मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ऐसा थोड़ा कि सॉल्व नहीं कर सकते। ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए हैं ये कितनों को समझ में आ गए, रेज योर हैंड्स, और जिसको डाउट है मुझसे बात करिए। दोज यू गॉट इट रेज योर हैंड्स, जिसको डाउट है वो बात करो बेटा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। ये याद रखिए कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ये एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ही सेम फॉर्मूला है, इसलिए मैं पैरेललोग्राम लॉ बोल रहा हूँ, बाकी आपको याद रखना है फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर इंटरफेरेंस का जो है, तो इसको आप याद रखेंगे तो आपका रिजल्ट ईजी हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। अगर इंटेंसिटी का क्वेश्चन होता तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती थी याद है आपको, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉज ऑफ फेस एंगल, ये याद रखना है इंटरफेरेंस के लिए। और अगर आई वन और आई टू बराबर होती यहाँ पर, अगर आई वन और आई टू बराबर होती तो ऐसी कंडीशन में नेट इंटेंसिटी आती, मान लेते आई वन आई टू बराबर है लेट आई नॉट, तो इट वुड हैव बीन फोर आई नॉट कॉस स्क्वेयर फाइव बाई टू, ये था आंसर। क्या इंटेंसिटी होती, फोर आई नॉट कॉस स्क्वेयर फाइव बाई टू, ये आती रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है, एक नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, और ऑब्वियसली उससे डिराइव हो सकता है ये, लेकिन आपने किया भी हुआ है डेरिवेशन। एक ये फॉर्मूला, पहला एम्पलीट्यूड का, दूसरा इंटेंसिटी का, और तीसरा अगर इंटेंसिटीज इक्वल है दोनों सोर्सेज की तब आप इसको रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और चौथी बात एक ये कि जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज टू पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये एक और फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। बस इतने फॉर्मूले याद रखेंगे तो YDS के अलावा सारे क्वेश्चन इंटरफेरेंस के सॉल्व हो जाएंगे। YDS के लिए दो चार फॉर्मूले और हैं, वो भी आगे देखते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए एक और क्वेश्चन नोट करिए आप लोग फटाफट, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी आई एंड फोर आई इंटरफेयर, फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी इफ, पहला पार्ट फेज एंगल जीरो डिग्री है, दूसरा पार्ट फेज एंगल उनके बीच में 180 डिग्री है, तीसरा पार्ट फेज एंगल उनके बीच में 90 डिग्री है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, तीन अलग अलग फेज डिफरेंसेस दे रखे हैं और तीनों केसेस में आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है।
निकालिए तीनों के आंसर्स और कमेंट बॉक्स में डालिए। जल्दी कह रही फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। पहले केस में जीरो डिग्री लेकर के सॉल्व करना है। आपको याद है ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये तो याद होना चाहिए सबको। क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी? आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉज ऑफ फाइव। बस पुट कर दीजिए इसको और आंसर निकाल दीजिए। इतना टाइम थोड़े लगना है। फर्स्ट केस में निकालिए कितना आएगा। देखिए फर्स्ट केस में आई कितना आएगा, आई प्लस में फोर आई प्लस टू आई इंटू फोर आई दैट इज फोर आई स्क्वायर कॉस जीरो डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये आ गया फाइव आई प्लस में टू इंटू टू आई रूट कर दीजिए और कॉस जीरो वन होता है तो ये आ गया आपके पास नाइन आई। तो फर्स्ट पार्ट में जो इंटेंसिटी कितनी आ रही है आपकी, नाइन आ रही है। कब आ रही है नाइन आई, जब आपका फेज डिफरेंस जीरो डिग्री है। कब आ रही है नाइन आई, जब फेज डिफरेंस जीरो डिग्री। दो आंसर्स भी आ गए किसी बच्चे ने सॉल्व किए। लेट मी सी, एक लवीना का नाइन आई आई फाइव आई, वेरी गुड बेटा। लवीना आपकी तीनों सही है और अंकित का भी बिल्कुल सही है बेटा, दोनों के सही है, वेरी गुड। सेकंड पार्ट बाकी लोग भी देख लीजिए। सेकंड पार्ट आपके पास इंटेंसिटी क्या होगी, आई प्लस टू इंटू फोर आई स्क्वायर कॉज ऑफ 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया, फाइव आई कॉज 180 होता है माइनस वन, तो माइनस में फोर आई, तो ये हो गया आई। तो यहाँ पर ये जो नाइन आई है जीरो डिग्री वाला, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो है 180 डिग्री वाला, ये है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और तीसरा आपके पास जब फेज एंगल 90 डिग्री तो इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा, इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। आई प्लस फोर आई प्लस में टू रूट फोर आई स्क्वायर कॉज ऑफ 90 डिग्री जीरो, कॉज 90 जीरो। तो ये जो टर्म होती है आपको याद हो शायद, इसको हम इंटरफेरेंस टर्म बोलते थे, तो वही जीरो है। तो फोर आई प्लस आई दैट इज फाइव आई, कितना आया, इट्स फाइव आई। तो इसको हम बोलेंगे नो इंटरफेरेंस। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चेक करिए यहाँ तक फटाफट सभी लोग, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी का ही क्वेश्चन है, वाईडीएस में भी इंटरफेरेंस ही होता है आपको पता है। इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन, लिखते जाइए, वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, इज के। मतलब ये कि एक ऐसी जगह जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इधर देखिए वहां पर इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी के है। एक ऐसी जगह जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर इंटेंसिटी के है। क्वेश्चन है फाइंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज
पहला पार्ट लैम्डा बाई फोर, दूसरा पार्ट लैम्डा बाई थ्री, तीन क्वेश्चन हैं, तीसरा पार्ट लैम्डा बाई टू। इन तीनों जगह पे इंटेंसिटी निकाल के दिखाओ जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई थ्री और लैम्डा बाई टू है। जल्दी करिए। जल्दी करो, वेटिंग फॉर आंसर्स। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करी फटाफट। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? A is equal to I naught cos squared phi by 2, है ना? Yes sir. Intensity जो है that is 4 I naught cos square phi by 2। इसको लगाने से पहले सबसे पहले तीनों केसेस में आप फेज डिफरेंस लगा लो। इधर देखिए, आपको पता है जो फेज डिफरेंस है that is 2 pi by lambda into पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा लैम्डा कट गया, कितना आ गया? पाई बाय 2। यहाँ पे कितना आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 3। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 पाई बाय 3 यानी 120 डिग्री। यहाँ पर कितना आ गया? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 2 यानी पाई यानी 180 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री, ये पहले निकाल लेना चाहिए ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो अब हम जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी आएगी 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। तो 90 का आधा कितना होगा? 45 डिग्री। कॉस 45 क्या होता है? 1 बाई रूट 2। ध्यान देना, 90 का आधा 45, तो कॉस 45 क्या होता है? 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? हाँ, 1 बाई 2। तो बस हो गया आंसर, 1 by 2 ये आ गया। तो 1 by 2 into 4 I naught is 2 I naught। तो intensity यहाँ पर आ गई 2 I naught। सुनते जाना, दूसरे पार्ट में intensity क्या आएगी? 4 I naught cos square 5 by 2। तो 5 कितना था? 120। 120 का आधा कितना है? 60 degree। cos 60 कितना होता है? जल्दी बोलो, cos 60 कितना होता है? 1 by 2। तो 1 by 2 का square 1 by 4। तो क्या आ गई? I naught। intensity is I naught। सुनते जाना, तीसरे पार्ट में इंटेंसिटी 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 180 का आधा 90। कॉस 90 क्या होता है? जीरो।
ये कितना आ गया, जीरो, इंटेंसिटी जीरो। अब जरा सुनिएगा, ये आंसर नहीं, ध्यान देना, ये आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा इसने चेंज किया हुआ क्वेश्चन में, ट्विस्ट मारा हुआ, कह रहे एक ऐसी जगह पे जहां पर लैम्डा है वहां पर इंटेंसिटी के है, तो आपको आंसर के टर्म्स में चाहिए। तो लैम्डा वाली जगह पर इंटेंसिटी के है, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं लैम्डा वाली, फॉर लैम्डा फेज डिफरेंस क्या हो गया 2 पाई, तो इंटेंसिटी क्या हो गई 4I0 cos स्क्वायर 2 पाई का आधा, दैट इज पाई 180, तो कितना आ गया 4I0। और इसने कहा है ये जो 4I0 है दैट इज के, तो इसका मतलब जहां भी आई नॉट होगा वो के बाई 4 होगा, उसको आंसर चाहिए के टर्म्स में। हेलो, जो 4I0 है वो के है, तो आई नॉट क्या हो गया के बाई 4, तो पहले वाले में रखो 2I0 इन आई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज 2K/4, तो आंसर क्या है K/2, यानी पहले का आंसर है K/2, दूसरे का आंसर आई नॉट है, और आई नॉट K/4 है, दूसरे का आंसर K/4 है, और तीसरे में तो जीरो ही है, तो कोई फर्क ही नहीं। तो दीज आर द 3 आंसर्स, तो आंसर्स विल बी K/2 पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का K/4, और तीसरे पार्ट का 0। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, एक बार देख लीजिए ध्यान से। कितनों को यहाँ तक क्लियर है रेज योर हैंड्स, जिसको डाउट है वो बात कर लीजिए, जिसको उसको क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड्स सो दैट आई एम कंफर्म्ड कि यू गॉट इट। क्या हुआ श्रीवास पॉल, क्या दिक्कत है बेटा श्रीवास, बताओ। हेलो, आर यू देयर, ये क्लास लॉग इन करके गायब हो गए। श्रीवास पॉल, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो ना बेटा, अपने हाथ भी नहीं रेज किए। अच्छा, ठीक है, मतलब क्लियर है सबको, ठीक है, इट्स वेरी गुड देन। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देख लिया आप लोगों ने, यहां तक आपको याद रखना है। अब इसके बाद जैसे YDS पे अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, तो एक तो दोनों इंटेंसिटी बराबर होती है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो यही है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब आपके पास जो मैक्सिमम की पोजीशन आप लोग निकालते हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा दैट इज n लैम्डा d बाई d, याद है, जहां स्मॉल d क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और कैपिटल d क्या होता है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, क्या होता है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, स्लिट्स की प्लेन से स्क्रीन का कितना डिस्टेंस है, दैट इज कैपिटल डी। दिस इज पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। अगर कोई बोले nth मिनिमा का पोजीशन, तो x nth 1 लैम्डा d / d 2n - 1 लैम्डा d / d। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देना, 2n - 1 हम इसलिए लेते हैं जब हम n को कहां से शुरू करते हैं, 1 से। n को कहां से शुरू करते हैं, 1 से। अगर n को आप 0 से शुरू करेंगे तो 2n plus 1 लेंगे, समझ में आ रही बात, क्लियर। अगर n आपका 0 से शुरू होगा तो 2n plus 1, और अगर n की काउंटिंग 1 से शुरू करेंगे तो दैट इज 2n minus 1, इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा, क्लियर, जहां पर भी ऐसा हो, क्योंकि ऑड नंबर में आप 2n minus 1 भी लिख सकते हैं बेटा और 2n plus 1 भी लिख सकते हैं। तो ये कब लेना है, जब आप n स्टार्ट करते हैं 1 2 3, इस तरह। ये कब लेना है आपको, जब n स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, इज दैट ओके और नॉट ओके? यस सर, क्लियर है। अब यहाँ पर जो फ्रिंजेस बनती हैं इंटेंसिटी पैटर्न में, जो फ्रिंजेस बनती हैं YDS में, जैसे सेंटर हुआ आपके पास, एक मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये तो जो फ्रिंजेस बनती हैं इनमें दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। दो मिनिमा का गैप ले लो या दो मैक्सिमा का गैप ले लो, दैट इज गोइंग टू बी सेम, वी कॉल इट फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इट इज सेम फॉर बोथ
lambda capital D by small d. The distance between two successive maxima or two successive minima, we call it fringe width. Clear? अगर suppose करो कभी question कहता है if whole apparatus is immersed in a liquid, if whole apparatus is immersed in a liquid, अगर सारा का सारा apparatus हम liquid के अंदर डाल दें तो ऐसी condition में आपको पता है lambda change हो जाएगा, lambda by mu. क्या चेंज हो जाएगा? लैम्डा चेंज हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा. तो जब लैम्डा चेंज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आप बीटा के फॉर्मूले में जब लैम्डा चेंज करोगे तो लैम्डा डी बाई डी फॉर्मूला था तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बीटा जो नया होगा उसमें लैम्डा भी नया होगा, दैट इज लैम्डा बाई म्यू. तो दैट विल बिकम बीटा वन बाई म्यू. ध्यान देना, वेव लेंथ विल बी लैम्डा वन बाई म्यू एंड सिमिलरली फ्रिंज विड्थ विल बी बीटा बाई म्यू. और क्योंकि म्यू वन से बड़ा होता है इन जनरल, तो बीटा डैश जो होगा वो बीटा वन से छोटा होगा, यानी फ्रिंज विड्थ जो होगी वो छोटी हो जाएगी. कहने का मतलब स्क्रीन में ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस एकोमोडेट होंगे, मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैन बी एकोमोडेटेड इन द गिवन रीजन ऑफ द स्क्रीन, बिकॉज द साइज ऑफ द फ्रिंजेस इज रिड्यूस्ड, यू कैन एकोमोडेट मोर फ्रिंजेस इन टू दैट स्क्रीन. इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है सबको? इतना आप याद रखेंगे. इसके आगे हम अपना रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे अपनी अगली क्लास में इस चैप्टर को. और लेकिन आपको भी ये ध्यान देना है, अब जो हमारी अगली क्लास होगी मंडे को, फ्राइडे तो मैरी क्रिसमस, विश यू ऑल ए वेरी वेरी मैरी क्रिसमस, ठीक है? तो मंडे को जो हमारी क्लास होगी, आप आराम से फ्राइडे को क्रिसमस एंजॉय करो. मंडे को जो हमें टेस्ट देना है, आप भी ध्यान रखिएगा, किसका? मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चैप्टर्स, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चैप्टर्स प्लस में सेमीकंडक्टर्स का. क्लियर? मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चैप्टर्स और प्लस में सेमीकंडक्टर्स का, इसका टेस्ट आपने मंडे को देना है. इज दैट ओके? और मंडे तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है? तो नेक्स्ट ऑन मंडे क्लास टाइमिंग्स में आपका ये टेस्ट होगा. तो सी यू ऑल, थैंक यू, हैव ए गुड डे.